एक हेयर पैच को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। नॉर्मली एक हेयर पैच हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से कोम्ब करना, सारा दिन उसको मेंटेन रखना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूंगा आज आपको समझाने के लिए कि सारे दिन भर में आपको अपने हेयर पैच को कैसे मेंटेन और एकदम वेल कोम्ब रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपके हेयर पैच के लिए कंघी कौन सी सही है। कंघी तो बहुत वैरायटीज की मिलती है बाजार में, लेकिन आपका हेयर पैच हर कंघी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका रीजन है कि ये डेड बाल है, ये बाल डेड बाल है, तो इनको मेंटेन करने के लिए हम लोग को सही कंघी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और अगर ये बाल सुलझे हुए रहेंगे उतने ही स्मूथ रहेंगे, अगर उलझ गए तो टूट जाने का डर रहता है, इसलिए सही कंघे का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो अब ये सारे कंघी जैसे अवेलेबल होते हैं बाजार में, तो इसमें से कौन सी सही कंघी हमारे लिए है वो आपको हम बताएंगे। ये कंघी अगर इनके दांत मोटे हैं और बहुत ज्यादा गैप है तो फिर ठीक है, अगर ये पतले दांत है और गैप बहुत कम है, बिल्कुल नहीं, सॉरी। ये कंघी इसके दांत बहुत पतले हैं और गैप बहुत कम है, इससे हो सकता है कि हमारा हेयर पैच में जब हम बाल बांधे जाएंगे तो काफी सारे बाल टूट सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये कंघी, हाँ, इसके दांत काफी मोटे हैं और गैप भी काफी सारा है, मुझे लगता है ये कंफर्टेबल है। ओके, ये कंघी इसमें तो मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूं, इतने पतले हैं, सॉरी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा हेयर पैच के लिए। ये कंघी परफेक्ट है, इनके दांत बहुत ज्यादा गैप है इनके दांतों में और काफी मोटा दांत है ये। हमारे बालों को पकड़ अच्छी देगा और सुलझे हुए बाल बाल को सुलझा के रखेगा, उलझने नहीं देगा। ये कंघी बिल्कुल सही है। सो इस टाइप की कंघी आप बिल्कुल यूज करें और बाकी सब कंघी डस्टबिन में डाल दें प्लीज। नेक्स्ट आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे कि कैसे बाल को आपको बांधना है। जैसे सुबह आप उठते हैं तो बाल सारे आपके डेफिनेटली उलझे हुए रहेंगे, तो तुरंत आप उन सूखे हुए बालों को मत बाइए। आप पहले पानी का कोई स्प्रे लीजिए और उसको पहले अपने बालों पे छिड़क दीजिए। इन शॉर्ट पहले बालों को गीला करिए, ये बहुत जरूरी है। बालों को गीला करने के बाद ये वाली कंघी से आप सारे बाल को सामने लाइए। साइड वाले बाल साइड को, पीछे वाले बाल पीछे और सामने वाले बाल सामने। इससे क्या होगा कि जैसे जितने भी बाल कोई अगर उलझ गए होंगे तो वो खुल जाएंगे और हमें बाल कोम करने के लिए आसानी हो जाएगी और बाल टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और इसके बाद आप अपना आईना देखिए और उसको बाल अपना सेट करिए। इतनी छोटी सी चीज आपको सिर्फ करनी है दिन में 3 या 4 बार, एवरी 3 घंटे या 4 घंटे में एक बार इस तरह से पानी से अपने बाल को भिगोइए और इस तरह से कंघी से वो बाल को सामने लाइए और फिर पीछे की तरफ आप अपना स्टाइल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बाल बहुत वेल मेंटेन रहेंगे और आप हमेशा हैंडसम लगोगे और आपका हेयर पैच बहुत अच्छा लास्ट करेगा और बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।